हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS स्कूलिंग अकेडमी। सो एक बिग अपडेट लेकर आया हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए। सो जैसा कि आपको पता है, BPSC का जो फॉर्म है वो दोबारा सेकंड स्टेप में कंप्लीट किया जा रहा है टीचर रिक्वायरमेंट की, और वहाँ पे बच्चों को लास्ट में सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड। ये मेनली प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहले तो आपको 15 KB का अपो करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपकी जो साइज़ है यानी जो ब्रेथ और लेंथ की जो साइज़ है वो 220 और इंटू 100 करनी है। यानी ब्रेथ आपकी 220 होनी चाहिए और 100 आपकी लेंथ होनी चाहिए पिक्सल में। तो ये करने जब आप 220 और 110 करेंगे तो वो थोड़ा साइज़ फिर भी थोड़ा बड़ा ही रह जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप ब्रेथ को जो है 200 लेके चलिएगा और जो लेंथ है वो 80 लेके चलिएगा, तो ऑटोमेटिक वो आपका 15 KB से कम का आ जाएगा साइज़ में और आराम से आप उसे अपलोड कर पाएंगे। तो ये समस्या काफ़ी बच्चों को आ रही थी और इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए और आसानी से आप अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर सके हिंदी और इंग्लिश में। सो ये ध्यान रखिएगा, 15 KB से कम होनी चाहिए और जो ये लेंथ ब्रेथ है, ब्रेथ और जो लेंथ है वो आपकी 200 ले लीजिएगा और इधर आपका लेंथ आपका 80 ले लीजिएगा। आसानी से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक।